इस फिल्म के तीन गाने शूट हुए थे यहाँ। हाँ। वो दिख रहा है सबसे ऊंचा बिल्डिंग पंचमहल, बाहर से डबल स्टोरी दिख रहा है, अंदर जाने पर वो आपको वन स्टोरी दिखाई देगा। बहुत डीप तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भैया हमें। और अंकल ने ना गाड़ी भेज दी है पुलिस की पूरी। शकुनी मामा जो गेम खेलते थे ना दावा, वो यहाँ जोधा भाई के साथ अकबर खेलते थे। चारों साइड बॉक्स दिख रहे आपको, अकबर पढ़े हुए बादशाह नहीं थे, अनपढ़ बादशाह थे। नाम लिखना भी अकबर को लास्ट में जोधा भाई ने सिखाया। भाई रोंगटे से खड़े हो रहे हैं ना, है ना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और गाइज आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत हो रही है आगरा से। तो अभी हम लोग आए हैं आगरा के पास, आगरा के पास नहीं आगरा में ही आए हैं। एक हमारे अंकल हैं जो यहाँ आगरा में रहते हैं, तो एक दो दिन की आउटिंग के लिए हम लोग जो हैं शॉर्ट ट्रिप के लिए आए हैं। उनकी दो बेटियाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई दिवाली से पहले एक बार मिल के चले जाओ। और आज है धनतेरस, तो सबको हैप्पी धनतेरस। तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा घूमने का प्लान है, तो आंटी तो नहीं जा पाएंगी, मतलब जो उनकी वाइफ है वो तो नहीं जा पाएंगी। अंकल कहीं ड्यूटी, उन्होंने बोला था कि मैं एक आधे घंटे में आ जाऊंगा। तो अभी आगरे का जो मौसम है वो भी बहुत मस्त हो रहा है। अभी सुबह सुबह बारिश हुई थी और आरुष उधर खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। अभी हम लोग नहाए धोए नहीं है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, और फिलहाल आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे ये हम आपको दिखाते हैं अभी। बाइकें बाइकें आ रही है ना, थोड़ा सा आरुष का भी ध्यान रखना होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। यहाँ पर जो है ना आरुष के दोस्त मिल चुके हैं, और कह रहा है कि जो बॉल है ना वो इस जो है रिक्शे वाला ले गया, कह रहा मुझे भी दिखाओ। आरुष कहाँ ले गया है रिक्शे वाला, कहाँ ले गया बॉल? अरे तू पेड़ में गया। अब कैसे उतरेगी? अब उतारो, कैसे उतारोगे, कैसे उतारोगे? अब कैसे करें, गार्ड अंकल निकाल देंगे। तो भाई इतने गहरे घने जंगल वाले पेड़ में, ऐसा घना जंगल हो रहा है पूरा, इसमें बच्चों की बॉल अटक गई थी, तो इधर मिल गई लकड़ी, उससे बॉल निकाल दी और बच्चे हो गए हैं खुश, देखो। तो गाइस अभी जो है ना टाइम लगभग 1:30 बज गया है, और यहाँ पर चल रहा है अपना ब्लॉग। और अभी लंच करके ऑलमोस्ट हम लोग सब रेडी हैं। इधर शैरिल बैठी है और इधर बैठा है आरुष, ये भी एक्साइटेड है जाने के लिए। बस अभी लंच करके निकलेंगे, इतने देख लेते हैं अपना ब्लॉग। गाइस अभी हम लोग ना ये आए हैं फतेहपुर सीकरी, और ये मेन गेट है, और इसको पार करना है। फिर पार करके पहले तो गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में। तो गाइस देखो आगे आगे आपको गाड़ी दिख रही है, वो गाड़ी आगे आगे हमारे जा रही है जो राकेश अंकल ने भेजी है। और व्यू तो आप देख ही रहे हो सामने से क्या मस्त आ रहा है, सनसेट होने वाला है, तो हम थोड़ा शाम में ही आए हैं। तो अभी पहुंचते हैं, तो ये एक और गेट आ गया बड़ा सा, और अभी ये एक और गेट आ गया, तो हम फिलहाल गेट्स में घुसते जा रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और अंकल ने ना गाड़ी भेज दी है पुलिस की पूरी गाड़ी, तो उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे अंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और राकेश अंकल ने जो है स्टाफ भेज दिया था यहाँ का, उनके साथ गाड़ी में अंदर आए हैं। और वहाँ पर एक भैया हैं जो यहाँ के गाइड हैं, वो हमें प्रॉपर तरीके से पूरा घुमाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग अंदर, पर ना ये पूरा नक्शा बना हुआ है, पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और कुछ इस तरह का दरवाज़ा है ये गेट, ये कुछ बता रहे हैं। ठीक है ठीक है ओके। तो गाइज अभी आ गए हम लोग अंदर, ये देखो क्या मस्त एकदम। अच्छा उधर वाला वो सामने दरगाह और बुलंदर वाजा है सर। अच्छा जी 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 हाँ जी हाँ जी, उससे पैदा हुआ था, उसकी खुशी के लिए बनाया था अकबर ने पूरा फतेहपुर सीकरी। ओके, ये सीकरी का पहला पॉइंट है जिसका नाम दीवाने आम कहते हैं। अच्छा, दीवाने आम का मतलब पब्लिक कोर्ट, अकबर का दरबार यहाँ लगता था। और सामने पांच गेट वाला चैम्बर जो दिख रहा है सर, ये वाला? हाँ जी। ओके, उसके 9 मंत्री थे, 9 मिनिस्टर। ओके, चैम्बर के अंदर बैठते थे, मगर यहाँ पहले गार्डन वगैरह नहीं था, यहाँ प्लेन जगह थी, यहाँ अकबर की प्रजा आम जनता बैठती थी। अच्छा, वहाँ बैठकर बादशाह अकबर आम जनता की परेशानियाँ सुनते थे, वहीं बैठकर फैसला सुनाते थे, इसलिए जगह को दीवाने आम पब्लिक कोर्ट कहते हैं। दीवाने आम पब्लिक कोर्ट जी।
मगर अकबर के जमाने में गुनहगार लोगों को फांसी नहीं दी जाती थी, हाथी पैर से कुचल कर मार दिया करता था। ओके, ये हाथी को बांधने की जगह है जो हाथी अकबर को दहेज में राजा मानसिंह ने दिया था। अच्छा, ये हाथी गुनहगार बंदे को पैर से मार दिया करता था। जब हाथी की डेड हुई, इसकी कब्र एक जंगल में टावर के रूप में बना दी, जिसको एलिफेंट टावर कहा जाता है। ओके, छोटे छोटे गोल्डर्स बने हुए ना जनाब जी, यहाँ उस जमाने के वीआईपी लोग बैठा करते थे। अच्छा, ऊपर में जो रंग नजर आते हैं आपको, हाँ जी, धूप और बारिश से बचने के लिए शामियाना टेंट बांधा जाता था। ओके, इसको दीवाने आम पब्लिक कोर्ट कहा जाता है। ग्रेट, हम लोग पैलेस के अंदर चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक लोकल बंदे की परमिशन अलाउड थी, इसके अंदर किसी भी लोकल बंदे की परमिशन अलाउड नहीं, क्योंकि वो अकबर का पैलेस था। ओके, आगरा फोर्ट है, दिल्ली फोर्ट है, लाहौर फोर्ट है, इलाहाबाद फोर्ट है, वो फोर्ट है, ये फोर्ट नहीं है, अकबर का पैलेस है। ओके, फतेहपुर सीकरी बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अकबर को अगर बेटा ना मिलता तो फतेहपुर सीकरी ना बनता सर। अच्छा, अकबर ने सारा फतेहपुर सीकरी बनाया अपनी औलाद की खुशी में, क्योंकि अकबर को जब बेटा मिला तो अकबर यहाँ पर 16 साल रहे सर। ओके, फतेहपुर सीकरी ये अकबर की राजधानी भी चली है 4 साल तक। अच्छा जी बेटा, तब जाओगे, अभी बहुत जगह चल रहा है, अभी तो पहला पॉइंट स्टार्टिंग है। तो गाइस, हमें यहाँ पे कुछ बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, भैया ने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है और आगे भी बताएंगे। तो भाई, देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हिस्ट्री याद आ गई। अभी अब लोग आ गए हैं सेकंड दरवाजे पे, ये देखो, अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता देंगे भैया कि अब ये कौन सी जगह है अकबर की। आओ आरुष, हैं दो दिल मिल रहे हैं, किधर हुआ था भाईजान ये भी दो दिल मिल रहे हैं। अच्छा, गाना, अच्छा, हाँ हाँ, लाल पत्थर, गरम हवा, यतीम प्रदेश, मेरे ब्रदर की दुल्हन, कच्चे धागे। अच्छा, इस फिल्म के 3 गाने शूट हुए थे यहाँ। हाँ हाँ, वो दिख रहा है सबसे ऊंचा बिल्डिंग, पंचमहल। हाँ हाँ, वो सामने गाना हुआ था। हाँ, इंडिया वतन मेरा इंडिया। अच्छा अच्छा, उसी के बराबर में अनूप तालाब बना है, वहाँ एक गाना हुआ था, नहीं होना था लेकिन हो गया। आप यहाँ फतेहपुर दरगाह के जस्ट पीछे गाना हुआ था, जो शाहरुख खान किटार बजाता है ना, दो दिन। आप लोग अभी सीकरी पैलेस के अंदर एंट्री कर चुके हैं मैडम, ये अकबर का पैलेस है। अच्छा, छोटे छोटे जो रूम दिख रहे हैं आपको तीनों साइड पे जी, यहाँ पैलेस की सिक्योरिटी हुआ करती थी, लोकल बंदा कोई ना, इसलिए सिक्योरिटी खड़ी रहती थी हर वक्त। ओके, ये कोलादान की जगह जो चौथा बना है, बादशाह अकबर का बेटा जहांगीर बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ था, जिसकी माँ थी जोधाबाई, जो अपने बेटे को साल के साल सोने चांदी के सिक्कों में तोड़कर वो सोना चांदी गरीब लोगों में बांटती थी, इसलिए हम लोग इस जगह को तोलादान की जगह कहते हैं। सामने आपको दिखाएंगे दीवान खास, आज के जमाने का पार्लियामेंट हाउस। ओके, वो बाहर से डबल स्टोरी दिख रहा है, अंदर जाने पर वो आपको 1 स्टोरी दिखाई देगा सर। अच्छा, वहाँ से अकबर ने धर्म की स्थापना भी की थी, जिस धर्म का नाम था दीन ए इलाही, सबका मालिक एक है। ये दीवाने आम था, ये दीवाने खास। तो गाइज, अभी एंट्री करते हैं अंदर, थोड़े बाहर के शॉट्स लिए हैं मैंने, और आरुष को तो आ रहा है मज़ा। ये देखो कितना बड़ा महल है, वाह। तुम भी पहली बार आई हो? नहीं। अच्छा अच्छा, तीसरी बार, चलो अंदर चलते हैं। वाह, ये है भाई देखने वाली चीज़ तो यार, दीवाने खास कहते हैं। दीवाने खास पार्लियामेंट हाउस। अच्छा, मीटिंग करने की जगह नीचे इस प्लेयर के ऊपर जो सिंहासन बना है, बीच में लोटस फ्लावर की तरह, बीच में तो शहंशाह अकबर बैठते थे। अच्छा, साइटों में जो गेट बने हैं वहाँ अकबर के 9 मंत्री 9 मिनिस्टर बैठते थे। अच्छा, अकबर और मिनिस्टर यहाँ बैठकर सीक्रेट मीटिंग करते थे, इसको दीवाने खास भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इबादत खाना, इबादत समझते हो? हाँ हाँ, बंदगी। इस प्लेयर के ऊपर सारे मजहब के सिंबल बने, आइए आपको सबसे ऊपर आर्किटेक्चर है, ऊपर में अच्छा जिगजग लाइनिंग वाला पर्शियन है, इसके नीचे गेट वाला क्रिश्चियन है, इसके नीचे गेट वाला मुस्लिम है, ये लोटस फ्लावर स्वास्तिक हिंदू बना है, ताज वाला बुद्धिस्ट है, लास्ट में मुगल डिजाइन है जिसको उमर खयाम कहते हैं। 1582 में अकबर ने यहाँ बैठकर जो धर्म चलाया था, जिसका नाम रखा था दीन ए इलाही, सबका मालिक एक है। यहाँ जाने के 2 रास्ते भी बनाए, एक इस साइड से और एक उस साइड से। अच्छा, मगर सारी जगह बंद है, किसी भी जगह पर चढ़ना अलाउड नहीं है। वाली बिल्डिंग खजाना महल। अच्छा, पैसा रखने की जगह। ओके, अकबर के जमाने में पैसा गोल्ड सिल्वर कॉपर नहीं थी, गोल्ड सिल्वर कॉपर, इसलिए 3 बिल्डिंग आपसी में कनेक्ट कर बनाई है। यहाँ पैसा रखने की भी जगह थी, इसलिए खजाना महल कहते हैं, मगर इसका सर दूसरा नाम आँख मिचोली कहते हैं। आँख मिचोली लुका छुपी खेलने का जगह।
इसकी बात कर रहे हैं। सबकी थी रानिया, चार थी रुकैया बेगम, जोधा बाई, मरियम और सलीमा बेगम। पहले जमाने में टीवी और मोबाइल तो होते नहीं थे, इसी बिल्डिंग के अंदर रानियों के साथ अकबर खुद लुपा छुपी का गेम खेलते थे, इसलिए आंख मिचोली और खजाना महल कहा जाता है। अच्छा, ये छोटी सी छतरी दिख रही है सामने से, ये वाली शादी के लिए मंडप दिखाई देता है। हाँ हाँ, शादी का मंडप था नहीं, अच्छा, अकबर के ज्योतिष के बैठने की जगह है। ओके, अकबर एक मुस्लिम राजा थे, उनके एक ज्योतिष थे, नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। अच्छा, वो यहाँ बैठकर बादशाह अकबर के लिए भविष्यवाणी किया करते थे। ओके, जैसे कि अकबर रात में सो जाया करते थे, सबको ही सपना दिखता था, सुबह के टाइम पंडित जी से भविष्यवाणी पूछने आते थे अकबर, अकबर का हाथ देखकर पंडित जी उनकी भविष्यवाणी बताया करते थे। अच्छा, एक क्रॉस स्टोन लगा हुआ है ना, साउथ मंदिर का डिजाइनिंग है सर, साउथ के मंदिरों में ये डिजाइनिंग होता है जिसको जैन आर्किटेक्चर कहते हैं। ओके सर, आगे पंचमहल क्लासरूम चौपड़ और तानसेन की जगह दिखाते हैं। चलो, फोर्थ पॉइंट, ये पंचमहल भी है, इसको हवा महल भी कहते हैं। अच्छा, रानियों के चांद और सूरज देखने की भी जगह थी और मनोरंजन करने की भी जगह है। अकबर की फर्स्ट रानी पहली रानी मुस्लिम थी, जिसका नाम रुकैया बेगम था, मगर वो टर्किश थी, टर्किश सुल्ताना भी कहते हैं, मगर वो थी मुस्लिम रानी जो ऊपर से ईद और रमजान का चांद देखने के लिए जाती थी। हिंदू रानी का असली नाम था हरका बाई, जिसको टाइटल नाम जोधा बाई कहते हैं, जो राजा मान सिंह की बहन थी, राजा भारमल की बेटी थी, अमितपुर जयपुर के रहने वाली थी, करवा चौथ का चांद देखने जाती थी और सुबह के टाइम सूरज को जल चढ़ाती थी। मगर एक रानी कृष्ण थी जिसका नाम था मरियम, वो चलनी रात में बिल्डिंग के टॉप पर हवा खाने जाती थी, इसलिए इसको बोलते हैं हवा महल। 176 फ्लोरों पर पूरी बिल्डिंग बना है, 176 स्टोन के फ्लोर, 84, 56, 20, 12 and 4 यानी 84, 56, 20, 12 और 4, इसी को पंचमहल कहते हैं सर, इसी को हवा महल कहते हैं। सामने आपको चौपड़ दिखाता हूँ, यहाँ महाभारत वाला गेम खेलते थे अकबर रानी के साथ। बहुत डीप तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भैया हमें। छोटा सा सिंहासन है, हाँ, यहाँ अकबर की रानी बैठ जाया करती थी। हाँ, जैसे महाभारत में शकुनी मामा जो गेम खेलते थे ना दावा, वो यहाँ जोधाबाई के साथ अकबर खेलते थे, चारों साइड बॉक्स दिखे हैं आपको। हाँ, यहाँ पर गोटियों की जगह दासियों को रंग बिरंगी ड्रेस पहनाकर मोहरे बनाकर इनके अंदर खड़ा किया करते थे और पाशा फेंकते थे, जो नंबर आता था वो नंबर का दासी एक खाने से दूसरे खाने तक डांस करती हुई जाया करती थी। तो ये अकबर उसकी रानियों का चौपड़ 25 कहा जाता है। ओके, छोटे छोटे रूम दिख रहे हैं नीचे जी, आज के जमाने का गर्ल्स कॉलेज हम लोग। यहाँ दो भाषा पढ़ाई जाती थी, अरबी और फारसी। अच्छा, पढ़ाने वाले टीचर थे अबुल फजल नाम से ना है, जिन्होंने अकबर का इतिहास लिखा था, इन्हें बड़ी अकबरे नामा। दोपहर के बाद लड़कियों को पढ़ाते थे, ऊपर इसके बुक रखने की जगह थी, अकबर पढ़े हुए भाषा नहीं थे, अनपढ़ भाषा थे, नाम लिखना भी अकबर को लास्ट में जोधा बाई ने सिखाया। तो गाइस वो जो कह रहे हैं ना पासा फेंकते थे, ये देखो ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, और इसी में जो रानियां है जो है ना डांस करती थी, और ये चारों तरफ बना हुआ है दासियां, सॉरी ये 1, 2, 3 और वो 4। हाँ, फोटो ले लेते हैं। हम लोग चल रहे हैं तानसेन की जगह देखने, भैया दिखाएंगे अभी कि जहाँ पे तानसेन बैठते थे। तानसेन मतलब संगीत वंगीत बजाते थे ना, संगीतकार ने उस जमाने में दीपक राग गाया था सर। अच्छा, दिए जल गए थे, वो जगह देखने जा रहे हैं। ओके, तो भाई भैया बता रहे हैं कि उनकी आवाज से जो है ना दिए जल गए थे, वो जगह देखने चल रहे हैं अभी हम लोग। ये देखो रील बन रही है इधर, ये बता रहे थे भैया यहाँ पर होती थी पढ़ाई, ये देखो बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है पूरी, ये पढ़ने की जगह थी, पढ़ने की जगह, हाँ वही पढ़ाई होती थी। अब ये आ गया है तालाब, इसके बारे में अनूप तालाब, इसके बारे में विस्तार से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ की सबसे सुंदर जगह है। अच्छा, मगर तालाब में सर पानी खाली कर दिया गया, दोबारा पानी साफ कर भरा जा रहा है। इसको चार चमन कहते हैं, सिंहासन पर जाने के लिए चार रास्ते हैं, बेटा नीचे नहीं जाना है। ये जगह आपने शाहरुख खान की फिल्म के अंदर भी देखा हुआ, यहीं बैठकर लास्ट वाला फाइट वाला गाना हुआ था, नहीं होना था लेकिन हो गया है। क्या अकबर ने जगह को शाहरुख खान या फिल्मों के लिए नहीं, तानसेन के लिए बनाया था, जो अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। यहाँ पर बैठकर तानसेन ने उस जमाने में दीपक राग गाया था, जिनकी आवाज़ से दिए जल गए थे। यहीं पर बैठकर सर बैजू बावरा ने मेघ मल्हार भी गाया था, रिमझिम बारिश हो गई थी, वो दिए बुझ गए थे। हम लोग अनूप तालाब इसलिए कहते हैं, आज पानी भरा है, उस जमाने में तो गुलाब जल होते थे। यहाँ गाते थे तानसेन, बीच में बैठते थे शहंशाह अकबर, साइड में बैठते थे मिनिस्टर, उनकी रानियां वहाँ ऊपर से प्रोग्राम देखती थी। 450 साल पहले वहाँ पर्दा सिस्टम था, मगर अब सब कुछ खत्म हो गया। ये सबसे छोटा, सबसे महंगा, सबसे सुंदर बिल्डिंग मुस्लिम रानी का है। अच्छा, स्मेल कहते हैं, ये दिखाते हैं, छोटा तो दिख रहा है मगर महंगा और सुंदर क्यों कहते हैं, इसी के अंदर सबसे ज्यादा कार्विंग किया हुआ है सर। अच्छा, पत्थर यहाँ तराशे हुए, पत्थर को उस जमाने के लगाया था।
तो गाइस देखो कितनी बारीकी से जो है ना काम किया हुआ है। ये जिगजैग लाइनिंग वाला पर्शियन डिजाइनिंग है। कुछ फ्रूट अनार है, अंगूर है, अंजीर है। और आइए अंदर दिखाता हूँ। इसके चारों साइड में छोटे छोटे दराज दिखाई देंगे आप। जी जी जी। दराजों के अंदर ग्लास शीशे लगे होते थे, यानी सर एक ऑयल वाला दिया जलाते थे और चारों साइड आपको रोशनी से दिए ही दिए नजर आते थे। ओके। सामने कुछ पंछी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। सारे पंछियों की गर्दने की पट्टी, उनकी आंखों के अंदर डायमंड हीरे जवाहरात लगे थे जिनको ब्रिटिश लोग पाट कर लेंगे। आर्मी तो आपको दिख रहा है, आज करना आसान हो सकता है क्योंकि लाइट में मशीन उस जमाने में नहीं थी। एक एक पत्थर को बनाने में कोई जमाना लगता था क्योंकि हौले हौले पत्थरों को तराशा जाता था। वो सामने खाना खाने की जगह बनी है जिसको कहते हैं जो बंदा बैठा है ना। जी जी जी। डाइनिंग हॉल, आइए करीब से दिखाता हूँ। तो देखो राजा का डाइनिंग हॉल था जिसमें खाना खाते थे वो। आरुष पता नहीं कहाँ गया भाई, क्या चीज बनाई है। देखिए हमाम खाना, स्नान घर। ओके, जगह बंद है। अच्छा जगह बंद है। ये सामने वाला पानी स्टोर करने का सुराही है सर। अच्छा, ये भी शिखरी पहाड़ी एरिया था, पानी की बहुत कमी थी। अकबर के जमाने में पानी बनारस से गंगाजल लाते थे। अच्छा, ये सुराही के अंदर गंगाजल भरते थे, अकबर उसकी फैमिली गंगाजल पिया करती थी। अच्छा, सुराही टूट चुका है, गवर्नमेंट ने इसको आधा बना दिया, इसके ऊपर आधा और बनाया जाएगा अभी। ओके,